बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सार टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हम बहसियत कौम अपना मुहासबा करें तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि हम इंसानियत बाकी नहीं रही और ये हमारे अंदर मौजूद खराबियों में से सबसे बड़ी खराबी है। मुआशरे के किरदार और अखलाकियात की गिरावट की हदें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सोचता हूँ ना जाने हम और कितना करेंगे कि आए दिन के वाक़यात हमें जानवरों से भी बदतर साबित कर रहे हैं। खबर तो आज तक दो रोज़ पहले पहुंच चुकी है। वाकया के मुतलक वीडियो क्लिप भी घर घर पहुंच चुका होगा, जिसमें देखा जा सकता है कि शादी की तकरीब के शुरू का मुख्तलिफ टोलियों में खड़े खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। वालहान अंदाज में एक दूसरे से बगलगीर होते हुए माथे चूमते, कह के लगाते और हाथों पर हाथ मारकर जज्बात का इजहार करने के साथ साथ आती जाती खवातीन के बारे में इशारों ही इशारों में एक दूसरे को मतला करने का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। फिर अचानक कुछ लोग एक तरफ लपकते और एक शख्स को पीटना शुरू कर देते हैं। शक्ल सूरत से मजदूर नज़र आने वाला शख्स अपनी सफाई में बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर कोई उसकी नहीं सुनता। वो बेबस और बेकस तनहा है, जबकि दर्जनों अफराद घोंसों, लातों और थप्पड़ों से इस पर मर्दानगी के जोहर दिखा रहे हैं। तशद्दुद की ताब ना लाकर वो शख्स ज़मीन पर गिर जाता है, फिर चंद लम्हे बाद बेहोश हो जाता है। हजूम का गुस्सा अब भी नहीं थमता, वो इसे अपनी ठोकरों पर रख लेता है। देखते ही देखते मजरूब की गर्दन एक तरफ ढलक जाती है, आंखें पथरा जाती हैं, उसकी रूह परवाज कर जाती है। उस पर तशद्दुद करने वाले सितम जारी रखे हुए हैं, इसके जिस्म का कीमा बनाकर ही छोड़ेंगे। अचानक आवाज़ आती है, रोटी खुल गई है। हजूम उसे छोड़कर खाने की तरफ लपकता है। ये दर्दनाक मंजर आखिरी नहीं, इसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि मरने वाले की लाश करीब ही फर्श पर पड़ी रही। इस पर मक्खियाँ भनभना रही थीं और मारने वाले प्लेटें भर भर कर खाना खा रहे थे और मज़े लेकर बातें भी कर रहे थे, जबकि कुछ लोग शिकवा करते भी सुने गए। यार, सालन में हड्डियां ज़्यादा हैं, बोटियां कम हैं, और शीतिया को मेनू ही दे। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ट्रेवे चावल ख़त्म हो गए ने। यह वाक़या पतोकी के इलाके में पेश आया, जहाँ शादी की तकरीब में एक मेहनत का पापड़ बेचने आया। किसी शख्स ने इल्ज़ाम लगाया कि इसका गुम होने वाला मोबाइल इस शख्स अशरफ सुल्तान ने ही निकाला है। इसके बाद इस पापड़ वाले को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। बाद अज़ा मालूम हुआ कि अशरफ सुल्तान बेकसूर था, गुमशुदा फ़ोन कहीं किसी और के पास से मिल गया। अशरफ सुल्तान की लाश करीब ही फर्श पर रही। तकरीब में शामिल हर शख्स यूँ लग रहा था जैसे ज़िंदगी का आखिरी खाना खा रहा है। किसी ने वाक़या को रोकने या बाद अशरफ को अस्पताल पहुंचाने की ज़रूरत ही महसूस न की, ना ही पुलिस को वाकया की इतला देना ज़रूरी समझा। तकरीब के अख्ताम, बिल की अदायगी और मेहमानों की रुखसगी के बाद पुलिस तखीर से शादी हाल पहुंची। इस दौरान वाकया का क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड हो चुका था, जिसे देखकर ही कानून के रखवाले हरकत में आए। गुमान है अगर ये क्लिप न बनाया जाता, सोशल मीडिया पर न चलता, तो गरीब आदमी की मौत अचानक हार्ट अटैक फेल करार देकर दफना दी जाती। सोशल मीडिया पर वीडियो में जो कुछ देखा वो दर हकीकत हमारे मुआशरा का अक्स था, क्योंकि कोई एक दो दर्जन नहीं बल्कि शादी में शरीक सभी इस मुआशरा के सैकड़ों अफराद हैं। इंसान ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं, लेकिन अफसोस हम शायद इंसान नुमा जानवरों का मजमा बन चुके हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि जब तक सज़ा और जजा का निज़ाम मजबूत नहीं होगा, कोई तालीम कोई किताब हमें इंसानियत नहीं सिखा सकेगी। तालीम शऊर दे सकती है, लेकिन अंदर के हैवान को सिर्फ और सिर्फ सज़ा का खौफ ही जागने से रोक सकता है, वरना एक लम्हा में इंसान को इंसानियत का लबादा उतारने में देर ना हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल शिद्दत से आज मुझे याद आ रहा है कि जालिम पर रहम खाना मजलूम पर एक और जुल्म है। क्या अभी भी किसी आसमानी मदद का इंतज़ार है, या हम सिर्फ लिख कर सफ़े काले करने वाले किताबी दानिशवर ही रह गए हैं, या जुल्म के साथ समझौता कर लिया है कि जब तक इसकी आग की तपिश में हमारे बच्चे या हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम सुकून से सोए रहेंगे, या बहुत ज़्यादा रंजीदा भी हुए तो एक आधी ट्वीट, फेसबुक स्टेटस, कोई बयान या एहसास वाला जुमला बोलकर अपने एहतजाज नोट करवा देंगे, बस हमारी जिम्मेदारी ख़त्म।